एक बहुत अजीब सी कंपनी डोरमेंट कंपनी निधि कंपनी बहुत सारी कंपनी बन गई पहले नहीं थी तो डोरमेंट कंपनी क्या होता है डोरमेंट कंपनी क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं चलिए डोरमेंट कंपनी है ना सिंपल से वर्ड में बोलू ना डोरमेंट कंपनी सिंपल से वर्ड में बोलू ना हमने एक कंपनी बनाया और कंपनी बनाने के बाद इस कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं, नहीं हुआ खरीद लिया हमने प्लानिंग के, के, के बाद ट्रांजेक्शन नहीं नहीं और दो साल हो गए जिसके अंदर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ और जब कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो इसका रिटर्न भी फाइल नहीं किया इन्होंने दो साल से तो ऐसी कंपनी जैसे कि सपोज करो आज आपको पता चल जाए जैसे मोबाइल नंबर है मैं बात करता हूँ सिंपल सा सिम की बात करते हैं एक सिम है और नंबर है आपका मैं सिम का नंबर बता देता हूँ आप देखना नाइन एट डबल नाइन सिक्स जीरो 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 दस हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये नंबर मिल रहा हो आपको आज आपको नंबर की जरूरत नहीं है ये नंबर आपको मिल रहा है सिम कार्ड और ये नंबर मिल रहा है आपको मात्र सौ रुपये में तो आप बताओ क्या करोगे तो सिम को ले लोगे और इस नंबर पे दो साल तक रिचार्ज भी कराने की आवश्यकता नहीं है तो आप क्या करोगे भाई मेरा नंबर तो है ही है इस नंबर पे रख लेंगे एक से डेढ़ साल बाद लोगों में फैलाएंगे और जैसे जैसे लोगों में सारी फैलेगा फिर मैं ये अपना मेन नंबर बना लूंगा एक वीआईपी नंबर लग रहा है ना तो ऐसे कंपनी क्या करती है कुछ बिजनेस स्टार्ट होने वाला अपॉर्चुनिटी क्योंकि आर में सालों लग जाता है तो एक कंपनी बना लिया एसेट सर्विस खरीद लिया करेंगे स्टार्टअप करेंगे सर्वे कर रहे हैं सर्वे कर रहे हैं ऐसे टाइम निकल जाते हैं अगर ऐसा दो साल निकाल दिया ना तो आपकी कंपनी को डिक्लेयर कर दिया जाता है डोरमेंट कंपनी यानी आपकी कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा और आपने रिटर्न भी फाइल नहीं किया तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है हमारा डोरमेंट कंपनी तो सर क्या कहता है कंपनी एक दो में इसे बनाया गया था उससे पहले नहीं था डोरमेंट कंपनी डोरमेंट कंपनी में बी फॉर्म्ड फ्यूचर प्रोजेक्टेड होल्ड ऑफ द एसेट इसका मेन पर्पस होता है कि जो एसेट्स है ना उसको होल्ड करना इसका मेन पर्पस होता है कि एसेट्स को होल्ड करना इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि उनके कंपनी के एसेट्स है उसको होल्ड करके रखना मेन पर्पस होता है विदाउट देयर बींग

पेमेंट मेड फुलफिल बुद्ध आपने कोई रिक्वायरमेंट एक्ट एनी अदर का कोई आपका पेमेंट मेड नहीं किया हो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाला काम नहीं किया हो अच्छा कलर चेंज कर लेते ना अलॉटमेंट के शेयर्स के बाद आपने पेमेंट टू मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स का कोई आपने ऐसा पेमेंट नहीं किया हो तो ये कुछ एक ऐसा पेमेंट है जिसे याद रखना है और ये पेमेंट आपको याद रखना पड़ेगा और ये हमें लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं तो सिंपल सी बात डोरमेंट कंपनी हमारा क्या होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है और साथ के साथ डोरमेंट कंपनी कौन कौन अप्लाई कर सकता है नहीं अप्लाई कर सकता छोटे से पॉइंट से ये देख लेते हैं हमने डोरमेंट कंपनी का देख लिया कि क्या होता है डोरमेंट कंपनी क्या होते हैं ट्रांजेक्शन इसके बाद कुछ इसके एग्जिमशन है जो हमें जानना जरूरी है सर आ, मतलब कि इसके क्या कैसे एग्जाम्स मैंने कह दिया कि डोरमेंट कंपनी बनाने के लिए आपको क्या रूल फॉलो करने होंगे बेसिकली रूल की मैं बात कर रहा हूं तो रूल क्या होना चाहिए सबसे पहले डोरमेंट कंपनी आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए आपको पहले कभी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए आपके ऊपर लोन की लाइवलिटी नहीं होनी चाहिए आपके पास अगर ऐसा कोई लाइविलिटी है तो उसे लेटर लेना पड़ेगा कि आप उसको ऐसा डिफॉल्ट वाला कोई चक्कर नहीं है क्योंकि डोरमेंट कंपनी में ना आपको सरकार ध्यान देना मतलब बहुत सारे जैसे रूल रूल एंड रेगुलेशन से मतलब है कि तुम्हें इनकम टैक्स भरना है तुम्हें ये करना है तो बहुत सारी चीज़ों से रिलैक्सेशन मिल जाती है तो क्या कहता है देखिए स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना है और आपके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बैठा होना चाहिए यानी आपने कोई फ्रॉड वगैरह पास्ट में नहीं किया हुआ, होना चाहिए आपके पास कोई पब्लिक डिपॉजिट नहीं होना चाहिए और उसके अगर है भी तो उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए नो आउटस्टैंडिंग लोन नहीं होना चाहिए अगर आपके पास लोन भी है तो अलॉक बिंदु फॉर्म उससे आपको डिटेल लेके गवर्नमेंट को जमा करवाना है आपका टैक्स का कोई ड्यू नहीं होना चाहिए पुराना नॉट डिफॉल्ट पेमेंट टू द वर्कमैन यानी वर्कर का कोई ऐसा नहीं हो कि आपने डिफॉल्ट कर दिया है ठीक है स्टिल आपको रिक्वायर मिनिमम डायरेक्टर टू आपको बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा वही नब्बे दिन वाली कहानी है तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसा नहीं कि डोरमेंट कंपनी बने तो सब कुछ रिलैक्स हो गया ये कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए आप ध्यान से सुनिए और हर एक हेडिंग को लिखिए और लिख के नोट्स बनाइए मेरी कोशिश रहेगा कि एग्जाम से पहले एक दिन पहले मैं रिविजन पे भी आऊं तो अब धीरे धीरे चैप्टर सारा हम ले ही रहे हैं इसके बाद आ जाता है हमारा गवर्नमेंट कंपनी ठीक है अगला कौन सा गवर्नमेंट कंपनी अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है उसको देख लेते हैं एक बार ठीक है देखिए गवर्नमेंट कंपनी बहुत सिंपल सी चीज है आप किसी कंपनी को ना गवर्नमेंट कंपनी कब होगा मान लेते हैं मेरा पी क्यू या अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूं शिक्षा धाम लिमिटेड एस के डी लिमिटेड और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और बहुत ही सस्ते दाम पे या फिर मैं कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और मैं पढ़ाऊं तो इस पढ़ाने के वजह से गवर्नमेंट ने सोचा यार इसके पास तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं और इसके पास इतने सारे स्टूडेंट हैं तो मेरे वोट बैंकिंग भी है इसके पास तो गवर्नमेंट ने बोला मेरी कंपनी के मान लेते हैं कि सौ करोड़ का शेयर कैपिटल है, है नहीं मैं बता रहा हूं अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भाई स्टूडेंट में बहुत पावर होती है जिसके पास मान लो ज्यादा स्टूडेंट होते हैं ना तो नेता लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं तो वो चाहते हैं कि हम इस कंपनी को खरीद ले तो या तो अकेले स्टेट गवर्नमेंट इस कंपनी के 51 परसेंट से ज्यादा शेयर खरीद ले या 50 पचास से ज्यादा खरीद ले या सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद ले इस कंपनी के पचास से ज्यादा या दोनों मिल इस कंपनी के पचास से ज्यादा शेयर खरीद ले और मैं इनको बेच दू तो ऐसी कंपनी को बोल देते हैं हम गवर्नमेंट कंपनी बाकी फोर्टी नाइन परसेंट ना पब्लिक के पास यानी पब्लिक के पास भी रहेगा इसलिए एस बी आई को गवर्नमेंट माना जाता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टेक किसके पास है सर सरकार के पास और सरकार का मतलब स्टेट भी हो सकता है और सेंटर भी हो सकता है दोनों का मिला के भी हो सकता है तो चलिए आइए देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी जो बातें बताई है वो इन्हीं चीजों पर डिस्कस करा हुआ है कहता है इस पर सेक्शन 245 में आपका 51 परसेंट स्टेक खरीदना होगा पेड अप कैपिटल का कौन कौन खरीदेगा या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर पार्टली सेंटर और पार्टली स्टेट वही बात है जो मैंने बताई आपको गवर्नमेंट कंपनी विच आपका सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडरी कंपनी मान लेते हैं एक कंपनी ने खरीदा आप उसकी सब्सिडरी तो ऑटोमेटिक आप गवर्नमेंट कंपनी बन जाओगे अगर कोई मुंसिपल डिपार्टमेंट मुंसिपल कॉर्पोरेशन जैसे एमसीडी है अगर उसने आपकी कंपनी के खरीदा तब गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट मतलब मुंसिपल डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट माना जाता है इसको स्पेशल पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाया गया तो वो कवर्ड नहीं होगा बोला गया नॉट टू बी टेकन एज अ गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी में भी ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है और पब्लिक कंपनी भी हो सकता है मेरी कंपनी सरकार ने खरीद ली फिफ्टी वन चाहे मेरा प्राइवेट है तब भी मैं अपने कंपनी को गवर्नमेंट और पब्लिक है तब भी मैं अपने आपको गवर्नमेंट और उसके अंदर जब गवर्नमेंट बन जाएंगे ना तो प्राइवेट पब्लिक लगाने की जरूरत नहीं है लगाना चाहते हो लगा सकते हो अदरवाइज नहीं लगाओगे तब भी आपकी कंपनी कंपनी को क्योंकि अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड बना लिया और नाम के आगे नहीं लगाया तो आपकी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग सकता है लेकिन गवर्नमेंट कंपनी बनने के बाद भाई बच जाऊंगा नहीं पेनल्टी लगाना वैसे लगाना अच्छी बात है क्या प्रोविजन है गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड वो देख लेते हैं कहता है कि अपॉइंटमेंट री अपॉइंटमेंट जो इसका ऑडिटर होगा ना जो कंपनी को चेक करेगा क्योंकि गवर्नमेंट इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा पूरी तरीके से सारी बातों को देखेगा हाँ भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट का जो ऑडिटर होता है ना ये होता है कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी कहते हैं बहुत बहुत पावर पावर होती है इसके अंदर ये चाहे तो राष्ट्रपति से भी पूछ ले तुमने ये खर्च कहाँ किए इतनी पावर होती है इसके पास तो अब राष्ट्रपति से तो ऊपर कुछ है ही नहीं भाई साहब तो ये गवर्नमेंट ऑडिटर है एक होती है चार्टेड अकाउंटेंट वो भी ऑडिटर होते हैं लेकिन वो होता है प्राइवेट मान के चलो गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं यही इनका ऑडिटर अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट स्टेटमेंट है उसे दोनों जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके उसका बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे और बैलेंस शीट बनने के बाद ना वो पार्लियामेंट में या फिर आपका राज्यसभा या लोकसभा के अंदर रखा जाएगा और उसमें डिस्कशन होगा कहता है कि प्लेस ऑफ एजीएम अंडर सेक्शन 96 सिक्स कहा होगा सर रजिस्टर ऑफिस के अंदर ही होगा और विद इन अ सिटी हो जाएगा या विलेज हो जाएगा वहीं पे इसका जनरल मीटिंग वगैरह होने वाला है रोटेशन ऑफ डायरेक्टर आपका रिलेटिंग टू सेल नॉट बी अप्लाई यहां पे डायरेक्टर को रोटेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप एक ना गवर्नमेंट कंपनी बन गए आपको स्पेशल प्रोविजन मिल गया है इसके बाद क्या कहता है रेमनरेशन जो देंगे वो भी यहां पे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट कंपनी के अंदर तो ये कुछ आपको बेनिफिट मिल गया स्पेसिफिक प्रोविजन क्या मिल गया बेनिफिट सर सबसे पहला पॉइंट आपका ऑडिटर कौन होगा सीएजी होगा नंबर दो आपको जनरल मीटिंग जो है कहां प्रिपेयर जनरल मीटिंग का रिपोर्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा उससे गवर्नमेंट सारा इन्वॉल्व करेगा नंबर तीन आपको मीटिंग कहां करनी है मीटिंग तो हर किसी के लिए कोई भी कंपनी हो ना तो ऐसे ही मीटिंग होगा उसी स्टेट में होना चाहिए उसी विलेज में होना चाहिए उसी टाउन में जहां रजिस्टर्ड है डायरेक्टर का रोटेशन नहीं होगा और साथ के साथ देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी नॉट अप्लाई रेमेशन वाला पार्ट अप्लाई नहीं होगा तो ये क्या था सर हमारा गवर्नमेंट कंपनी इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन एट कंपनी लीजिंग कंपनी जो है फटाफट से आप एक बार इसको नोट कर लीजिए